पहले यशस्वी जायसवाल के आपको आंकड़े दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि उन्होंने आखिर किया क्या कमाल ने। चलिए उनके आंकड़े पढ़ लेते हैं। रन बनाए इन्होंने 98, गेंद इन्होंने 47 मात्र लिए, चौके इन्होंने 12 मारे हैं, छक्के 5 मारे हैं और स्ट्राइक रेट इनका रहा है 208 का। आज जिस तरीके से इन्होंने पहली गेंद से खेलना शुरू कर दिया था उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है, और जब बटलर आउट हो गए मुझे लगता है इनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी हो गई। एक तो इनको ये लगा कि मेरी वजह से वो आउट हो गए, तो उनके हिस्से के रन इन्होंने ही बना डाले आज के नाल। बिल्कुल, और कैसे रन बनाए, वही जॉस बटलर स्टाइल में रन बनाए, ताबड़तोड़ रन बनाए। और अब इनके बारे में बता भी दें आपको यहां पर कि 13 गेंदों पर इन्होंने 50 रन अपने पूरे कर लिए थे 13 गेंदों पे, और ये एक रिकॉर्ड है, आईपीएल का रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था फास्टेस्ट 50 का वो केएल राहुल के नाम था, जहां पर केएल राहुल ने ये कारनामा 14 गेंदों पर किया था 2018 में। और अब यशस्वी जायसवाल ने 2023 में 13 गेंदों पर जो है अर्धशतक बना दिया, तो सबसे तेज अर्धशतक इस टूर्नामेंट का उसका जो रिकॉर्ड है अब यशस्वी जायसवाल के नाम हो गया है। पहले ही ओवर में मैंने आपको बताया नितीश राणा खुद गेंदबाजी करने लगे, समझ नहीं आया क्यों गेंदबाजी करने लगे, 26 रन खाए, मैच गवा दिया वहीं के वहीं। वहीं के वहीं अगर आपका एक लो स्कोरिंग टोटल आप डिफेंड कर रहे हो, आपने पार स्कोर तक का स्कोर बनाया नहीं हुआ, 200 की ये पिच थी, 149 पे आपकी टीम भार हो गई है, उसके बाद आप पहला ओवर खुद करने आ जाते हो और वहीं पे 26 रन खा जाते हो, मैच तो डन एंड डस्टेड था। मगर इसमें यशस्वी जायसवाल का कोई गलती नहीं है, उनका तो क्रेडिट है कि उन्होंने जिस तरीके से रन बनाए हैं इस सीजन। यशस्वी जायसवाल ने वैसे आपको बता दूं सिर्फ फास्टेस्ट 50 की बात नहीं है, इस सीजन सबसे ज्यादा चौके भी यशस्वी जायसवाल ने मारे हैं, 70 से ज्यादा चौके उनके नाम है, और जो सेकंड है ना वो मेरे ख्याल से कुछ 50s के अराउंड है, क्या तो वो 20 चौकों का गैप है। तो मतलब आज का जो मैच था वो मुझे लगता है रिकॉर्ड वाला मैच हो गया नहीं? एक तो रिकॉर्ड जीत इन्होंने की है, और हम बात भी कर रहे थे ना मैच शुरू होने के पहले कि राजस्थान को स्लैम में वापस आना पड़ेगा, बहुत ही आक्रामक तरीके से वापस आए हैं, बहुत आक्रामक तरीके से आए हैं। और यशस्वी जायसवाल की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम, ऑलमोस्ट आप ये दूसरा शतक ही उनका मान लीजिए, टीम तो मानेगी खैर रिकॉर्ड बुक में जाए ना जाए, और एक शतक और 500 से ज्यादा वो इस सीजन में अभी तक बना चुके हैं, 12 मैचेस हुए हैं। मतलब आप ट्रांजिशन देखिए खिलाड़ी का, मतलब हम कई बार वो स्टोरी बता चुके हैं कि उन्होंने टेंट में रहे, गोलगप्पे तक बेचे, रोटियां बनाई, रोटियां बनाई, उसके बाद जाके किसी तरह उनका जो है वो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में राइज किया, फिर पिछले सीजन कुछ मौके मिले वहां अच्छी पारियां खेली, इस सीजन तो उन्होंने फोड़ डाला, मतलब जिसे कहते हैं ना पूरा अपने आप को जो है उस दिखाया कि क्या टैलेंट उनके अंदर भरा हुआ है। धोनी को क्रेडिट देना पड़ेगा, धोनी को तो वो नमस्ते करके चौके मारते हैं, मतलब ये तो चौके मारने के माहिर है। पावर प्ले में वैसे मैं आपको बता दूं 78 रन जो है बने थे राजस्थान की तरफ से, जिसके अंदर से 62 रन जो है वो यशस्वी जायसवाल ने अकेले बना दिए थे, तो इस तरीके का डोमिनेशन रहा है उनका बल्ले से, कमाल का प्रदर्शन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, मतलब कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिबेट होना चाहिए, अभी मैंने चेक भी नहीं किया है, मगर प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो यशस्वी जायसवाल को ही यहां पर जाना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उन्होंने कैप्टन का भी साथ दिया, एक तरफा मना बना दिया मैच को, जिस पिच के ऊपर केकेआर के बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे उस पिच के ऊपर इस तरीके से डोमिनेशन, ऐसा लग रहा था पिचे बदल गई हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी, मतलब उस बहुत तगड़ा डोमिनेशन, मजा आया देख के।